everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's medical surgical nursing questions. Question number 1 is, which of the following is the most occurring brain tumor? निम्न में से सबसे ज़्यादा होने वाला ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है? ऑप्शंस आर ए मेनिंगियोमा, बी पिट्यूटरी एडिनोमा, सी ग्लियोमा और डी न्यूरोफाइब्रोमा. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लियोमा. ग्लियोमा ट्यूमर की अगर हम बात करें तो यह सभी प्रकार की ब्रेन ट्यूमर में लगभग 45% होता है. कौन सा? ग्लियोमा ट्यूमर. और मेनिनजियोमा की अगर हम बात करें तो मेनिनजियोमा मेनिंजेस में पाए जाने वाला ट्यूमर को कहते हैं और यह लगभग 20% में ब्रेन ट्यूमर्स में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बाय किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ बीपी इन आर बॉडी. निम्न में से किडनी के कौन से रिस्पॉन्स के द्वारा हमारे शरीर का बीपी नॉर्मल रहता है या नॉर्मल बना रहता है? ऑप्शंस आर ए किडनी एक्सक्रीशन ऑफ H2O एंड Na, दैट इज सोडियम, बी किडनीज रिटेंशन ऑफ Na एंड H2O, सी किडनी रिटेंशन ऑफ Na एंड एक्सक्रीशन ऑफ H2O एंड डी किडनी एक्सक्रीशन ऑफ Na. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किडनी एक्सक्रीशन ऑफ H2O एंड Na. हमारे शरीर में यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसे हम कह देते हैं हाइपरटेंशन. और जो हाइपरटेंशन होता है उसका प्रमुख लक्षण जो होता है वो होता है हेडेक, यानी सिर दर्द होता है. अगर बीपी के बढ़ने में Na मीन्स सोडियम का महत्वपूर्ण रोल होता है और एक्सेस वाटर यानी H2O से भी प्रत्यक्ष रूप से बीपी बढ़ जाता है तो किडनी सोडियम Na और वाटर दैट इज H2O को एक्सक्रीट करके बीपी के रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. यही कारण है कि डायूरेटिक जैसे लेक्सिस का उपयोग भी बीपी को प्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, कार्डियोमायोपैथी सफरिंग पेशेंट हैज़ विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग रिक्वरिंग कंडीशन. ऑप्शंस आर ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, बी पेरिकार्डियल इफ्यूजन, सी हार्ट फेलियर और डी डायबिटिस मेलाइटिस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हार्ट फेलियर. कार्डियोमायोपैथी में मुख्यतः हार्ट मसल की स्ट्रक्चर व फंक्शन दोनों को प्रभावित करते हैं. इसको हम मेनली कहते हैं कार्डियोमायोपैथी. और यह हार्ट की कार्डियक मसल में इन्फेक्शन या किसी भी डिजीज़ को होने को सम्मिलित रूप से कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है. ऐसे जो पेशेंट होते हैं उसमें हार्ट फेलियर की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन वुड बी इफ वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन अकर्स इन अ पेशेंट इन अ कोरोनरी केयर यूनिट. ऑप्शंस आर ए इनिशिएट CPR, बी एडमिनिस्टर O2 या सी डिफिब्रिलेट द पेशेंट. And the correct option is option number C, that is defibrillate the patient. Ventricular fibrillation होने पर heart muscle की death हो जाने की possibility काफ़ी बढ़ जाती है, जिसको जल्द से जल्दी ही precordial shock या defibrillation से terminate किया जाना चाहिए. Question number 5th is, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल एन्यूरिज्म रप्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक कंडीशन इज मोस्टली सीन. एब्डोमिनल एन्यूरिज्म रप्चर वाले पेशेंट में निम्न में से कौन से शॉक की कंडीशन उत्पन्न होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शंस आर ए कार्डियोजेनिक शॉक, बी न्यूरोजेनिक शॉक, सी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और डी नन ऑफ द अबव.
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। एन्यूरिज्म का मतलब होता है मॉर्बिड इनलार्जमेंट ऑफ एन आर्टरी। लेकिन जब एब्डोमिनल आर्टरी में एन्यूरिज्म के रप्चर होती है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस से फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीशन के कारण हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाता है, क्योंकि हर्ट लगातार पंप करता रहता है और ब्लड की मात्रा कम होती रहती है। जबकि न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, इसमें होता है कि न्यूरोमस्कुलर टोन की कमी के परिणाम स्वरूप, और कार्डियोजेनिक शॉक में मुख्यतः कार्डियक आउटपुट की कमी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ नर्सिंग ट्रीटमेंट और केयर शुड बी प्रायोरिटाइज फर्स्ट। नर्स के अनुसार निम्न में से कौन से केस को नर्सिंग केयर व ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑप्शंस आर ए हेड इंजरी, बी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सी फ्रैक्चर फीमर और डी पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल वुंड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो सीरियस केस होता है वो होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें जो हर्ट होता है उसको ब्लड पंप वो नहीं कर पाता है, पर्याप्त रूप से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज और फिर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन पेशेंट्स हर्ट रेट डिक्रीजेस। जब किसी पेशेंट की हर्ट रेट कम हो जाती है तो निम्न में से कौन सी ड्रग को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में चुनना चाहिए। ऑप्शंस आर ए प्रोऑकिनेमाइड, बी लिडोकेनाइन, सी डिगोक्सिन और डी एट्रोपाइन सल्फेट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एट्रोपाइन सल्फेट। वेगस स्टिमुलेशन से हर्ट रेट जो होती है वो कम होती है और वेगस के अनस्टिमुलेशन से ज़्यादा होती है। एट्रोपाइन जो ड्रग होता है उससे एस ए नोड की वेगल स्टिमुलेशन ब्लॉक हो जाती है, जिससे हर्ट रेट बढ़ती है। इसके अलावा डायोक्सिन ड्रग के द्वारा हर्ट रेट कम होती है, इसलिए डायोक्सिन को इस स्थिति में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ 45 ईयर ओल्ड पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द नर्स। एक 45 वर्षीय मरीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ग्रस्त है। नर्स के अनुसार इसके मेडिकल ट्रीटमेंट में निम्न में से कौन सा प्रोसीजर शामिल करना चाहिए। ऑप्शंस आर ए कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, बी प्रीक्यूटेनियस ट्रांसिमल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, सी ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और डी कार्डियक कैथराइजेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इससे ग्रस्त मरीज को मेडिकल ट्रीटमेंट ओरल मेडिकेशन से किया जाना चाहिए। ऑप्शन प्रीक्यूटेनियस ट्रांसिमल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी प्रोसीजर्स मुख्यतः CAD के सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं, और कार्डियक कैथराइजेशन इस प्रकार के डिजीज का ट्रीटमेंट ना होकर डायग्नोस्टिक टूल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स ऑफ कार्डियक एनोमलीज इफ अ चाइल्ड इज अफेक्टेड। ऑप्शंस आर ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक एनोमलीज, बी मेंटल रिटार्डेशन और सी डिलेड फिजिकल ग्रोथ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिलेड फिजिकल ग्रोथ। हमारे बॉडी की सेल्स की सही इंक्रीज या ग्रोथ के लिए
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वैसे ही डेवलपिंग चाइल्ड में ऑक्सीजन की कमी से, मतलब हाइपोक्सिया होने पर ग्रोथ धीमी यानी स्लो हो जाती है। ऑप्शन मेंटल रिटार्डेशन मुख्यतः कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर वाले बच्चों में कॉमन फाइंडिंग नहीं होती है और यह कार्डियक एबनॉर्मलिटीज मुख्यतः जेनेटिक फैक्टर के बजाय पेरेंटल फैक्टर के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आफ्टर द ऑपरेशन सडनली फील साइनोटिक। In this condition, which of the following nursing intervention nurse should takes first? एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ऑपरेशन के बाद अचानक से साइनोटिक हो जाता है, ऐसी कंडीशन में नर्स को सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा करना चाहिए? ऑप्शंस आर ए कॉल फॉर असिस्टेंट, बी बींग ऑक्सीजन पर नेजल कैनोला, सी सक्शन द नेसोफेरिंग्स और डी इंसर्ट एन ओरल एयरवे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सक्शन द नेसोफेरिंग्स। यदि पेशेंट ऑपरेशन के बाद साइनोटिक होता है तो उसे सबसे पहले नर्स को पेशेंट के एयरवे को साफ करना चाहिए, इसके लिए नेसोफेरिंग की सक्शनिंग करनी चाहिए। इसके बाद बींग O2 पर नेजल कैनुला वाला इंटरवेंशन किया जा सकता है। Guys, here I am taking previous video pathology question, and the question was, which of the following type of pneumoconiosis is associated with tuberculosis? Options are A. Asbestosis, B. Silicosis, C. Anthracosis or D. Bisonosis. Correct option is option number B, that is silicosis. न्यूमोकोइनोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है और यह व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर अनेक प्रकार की हो सकती है। जैसे सिलिकोसिस, यह वर्ल्ड की सबसे मोस्ट कॉमन व क्रॉनिक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है। इसके अलावा एथ्रियोक्रोसिस, बाइसनोसिस, बैगोसनोसिस आदि भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है। So guys, that is all for today's video. Hope you all like it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for Nurses Preparation.